चलिए दोस्तों बात करते हैं मेज क्रॉप की। मेज क्रॉप का बॉटनिकल नेम की बात करते हैं दोस्तों। बॉटनिकल नेम होता है इसका जिया मेज, ठीक है। जिया मेज बॉटनिकल नेम होता है। मेज का ग्रेमिनी फैमिली होती है, ठीक है। फैमिली क्या होती है? ग्रेमिनी। ओरिजिन प्लेस जो है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको इसका ओरिजिन प्लेस होता है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 20 होते हैं। कितने होते हैं क्रोमोसोम नंबर? गुणसूत्र नंबर कितने होते हैं दोस्तों? 20। 20 गुणसूत्र नंबर होते हैं। मेज इज अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप, ठीक है। कैसी क्रॉप है? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है मेज। अगर हम बात करें, इट इज अ मिरिकल क्रॉप, ठीक है। इसको जादुई क्रॉप भी कहा जाता है। कैसी क्रॉप कहा जाता है? जादुई क्रॉप, ठीक है। जादुई क्रॉप कहा जाता है किसको? मेज को। इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है। किस खाद्यान्न फसलों की रानी, ठीक है। खाद्यान्न फसलों की रानी कहा जाता है किसको? मेज को। दोस्तों ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरिकल क्रॉप कौन सी कही जाती है और क्वीन ऑफ सीरियल्स क्या होता है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट बात करते हैं मेज ग्रेन टाइप, मेज के दाने के प्रकार, ठीक है। दोस्तों ये जो है किप्स के द्वारा, किप्स ने, एक वैज्ञानिक हुए किप्स, ठीक है। नाम क्या है? किप्स, KIPPS, किप्स। किप्स ने 1959 में जो है दाने को, इसके मक्के के दाने को, या इंग्लिश में बोलते हैं कर्नल, कर्नल के अनुसार गुण के आधार पर 7 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया दोस्तों? 7 भागों में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? किप्स ने। कब? 1959 में, ठीक है। 1959 में किप्स ने मक्के के दाने को 7 भागों में डिवाइड किया। ये 7 टाइप दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फ्लिंट कॉर्न, ठीक है। फ्लिंट कॉर्न को दोस्तों हम जिया मेज इंडोराटा कहते हैं, ठीक है। इंडोर इसके इस या तो फ्लिंट कॉर्न या जिया मेज इंडोराटा, ठीक है। याद कर लेंगे। पूछ लेता है जिया मेज को जो है क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? फ्लिंट कॉर्न कहते हैं। जिया मेज इंडोराटा को क्या कहते हैं? फ्लिंट कॉर्न कहते हैं, ठीक है। ये जो है कॉमनली इंडिया, ये जो है बेसिकली इंडिया में उगाए जाते हैं। कहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं? इंडिया में, ठीक है। इसके जो है कर्नल हार्ड हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड स्ट्रक्चर के दाने होते हैं इसके। डेंट कॉर्न की बात करें दोस्तों, तो डेंट कॉर्न जो है सबसे ज्यादा यूएसए में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? यूएसए में उगाया जाता है, ठीक है। और अब इसका लगभग 95% जो है प्रोडक्शन यूएसए में किया जाता है। कितना? 95%। डेंट कॉर्न को क्या बोलते हैं? जिया मेज इंडेंटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंडेंटा। कहाँ प्रोडक्शन किया जाता है सबसे ज्यादा? यूएसए में, ठीक है दोस्तों। थर्ड हम बात करते हैं दोस्तों स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न की बात करें तो ये जो है स्वीटेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। इसको जो है स्वीट कॉर्न को क्या बोलते हैं? जिया मेज सेकेराटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेकेराटा, सेकेराटा, ठीक है। याद कर लेंगे दोस्तों। इंडेंटा यूएसए में उगाया जाता है, इंडोराटा इंडिया में उगाया जाता है, और सेकेराटा जो है स्वीट कॉर्न को बोलते हैं, ठीक है। फ्लोर कॉर्न, फ्लोर कॉर्न दोस्तों इसके जो है, इसको जो है जिया मेज एमेलियेसा बोला जाता है, ठीक है। इसके कर्नल क्या होते हैं? ये जो है फ्लोर कॉर्न, फ्लोर कॉर्न जैसे नाम से ही दिख रहा है कि ये जो है आटे के लिए उगाया जाता है। आटा रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए उगाया जाता होगा। कर्नल इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ सॉफ्ट स्ट्रक्चर। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, विद द लिटिल
और नॉट हार्ड स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, नॉट हार्ड स्ट्रक्चर जो है इनकी नहीं होती है, लिटिल होते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होती है, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं। इसलिए किसके लिए यूज किए जाते हैं, आटा बनाने के लिए, फ्लोर कॉर्न, इनको क्या बोलते हैं, फ्लोर कॉर्न। इसके बाद आता है दोस्तों पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जैसे हम लोग जानते हैं, पॉपकॉर्न बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में और ठीक है, ये क्या होता है, जियामेज इवर्टा, क्या बोलते हैं इसको, इवर्टा, जियामेज इवर्टा। इट इज कर्नल इज स्मॉल एंड एक्सट्रीम फ्रॉम ऑफ फ्लिंट कॉर्न। क्या होता है दोस्तों, ये स्मॉल होते हैं, स्मॉल कर्नल्स होते हैं इसके, और इनके अंदर दोस्तों क्या होता है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होता है और ये और एकदम से फट जाता है, फटने के बाद ये जो है फूल जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। ये एकदम हीट मतलब कितने टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हीट किया जाता है तो इसके जो है ब्रस्ट हो जाता है, क्या होता है, इनसाइड जो है एक ब्लास्ट होता है और ये पूरा दाना फटके एकदम फैल जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट वैक्स कॉर्न। वैक्स कॉर्न जियामेज क्रेटेना, जियामेज क्रेटेना ड्यू टू वैक्स अपीयरेंस। क्या होता है, इसके अंदर वैक्स पाई जाती है, ठीक है, वैक्स ही अपीयरेंस पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड एज वैक्स कॉर्न, इसलिए इसको वैक्स कॉर्न कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं पॉड कॉर्न, ठीक है, पॉड कॉर्न होता है, कैसा होता है, हस्क्ड प्रिमिटिव टाइप, ये मक्का का पूर्ववर्ती रूप है, कैसा रूप है, पूर्ववर्ती रूप है, प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की, कि बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि बॉटनिकली जो है किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके मेल पार्ट की, तो मेल पार्ट को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेल पार्ट को टैसल बोलते हैं, मेल पार्ट के, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ये हमारा मेल पार्ट हो गया, क्या हो गया, मेल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं। ये जो है ये सिल्क की तरह, ये पतले पतले जो धागे नुमा निकले हुए होते हैं, ये हमारा फीमेल पार्ट होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, सिल्क बोलते हैं, ठीक है। और ये इसको पूरे जो है इसको क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पूछा जाता है, और ये मेज जो है कैसा होता है, एक मोनोसियस प्लांट है, ठीक है, मेज इज अ मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। मोनोसियस प्लांट दोस्तों वह प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, एक ही पौधे में मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है, एक ही पौधे में। इसमें देखो मक्के के पेड़ में हम देखते हैं कि ऊपर मेल पार्ट है और नीचे फीमेल पार्ट है, एक ही प्लांट में दोनों पार्ट है, मेल और फीमेल, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को दोस्तों मोनोसियस बोलते हैं, ठीक है। और मेल मेल पार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, टैसल बोलते हैं, और फीमेल पार्ट को दोस्तों हम सिल्क बोलते हैं। इसलिए जो है फीमेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, फीमेल सिल्क की लॉन्ग होते हैं, फीमेल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। आई होप दोस्तों लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम जैसे कि लेक्चर हमने डिस्कस किया है जो भी, तो उसका पीडीएफ हम जो है वहां अपलोड कर देते हैं, जो आप आसानी से डाउनलोड करके प्रिंट करा के आराम से अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें सॉइल की, तो
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम कि मक्का को उगाने के लिए किस तरह की सॉइल जो है बेस्ट रहती है, अच्छी रहती है। दोस्तों इसको जो है वेल ड्रेन सैंडी सैंडी लोन सॉइल जो है अच्छी मानी जाती है मक्का के उत्पादन के लिए, और लोमी सॉइल में भी इसका कल्टीवेशन किया जा सकता है। दोस्तों मक्का जो है वाटर लॉगिंग के लिए बहुत ही सेंसिटिव होगी होती है कि अगर जो है हमारे खेत में पानी भरा रह जाएगा तो उसकी जड़ें बहुत ही जल्दी गल जाती हैं, गलने लगती हैं, इसलिए वाटर सेंसिटिव माना गया है, वेरी सेंसिटिव है वाटर के लिए, वाटर लॉगिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, इट कैन ग्रो सक्सेसफुली इन सॉइल होज पीएच रेंज फ्रॉम 5.5 to 7.5। दोस्तों अगर हम पीएच रेंज की बात करें तो दोस्तों 5.5 टू 7.5 पीएच जो है सुटेबल है मक्का के प्रोडक्शन के लिए, उगाने के लिए जो है क्या है 5.5 से 7.5 सुटेबल है मक्का को उगाने के लिए पीएच रेंज। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि जलवायु किस तरह की चाहिए होती है मक्का को उत्पादन के लिए। तो दोस्तों मेज के लिए बर्म एंड वेदर क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, बर्म एंड वेदर सीजन का पौधा है मक्का। खरीफ की सीजन में दोस्तों इसको जो है नॉर्थ इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, खरीफ की सीजन में मेन ग्रोइंग इन नॉर्थ इंडिया। मेज नेक्स्ट बात दोस्तों टेम्परेचर की कर लेते हैं, टेम्परेचर कितना चाहिए होता है। मिनिमम टेम्परेचर जो है 8 से 10 होता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम होता है मक्का के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हम सीड रेट। दोस्तों अगर हम खरीफ सीजन में अगर क्रॉप ले रहे हैं तो उसके लिए 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, और अगर हम हाइब्रिड मक्का बो रहे हैं तो उसके लिए 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है। फर्टर पर्पज के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, फर्टर पर्पज के लिए क्या है, जैसे कि हम जानवरों को अपने खिलाने के लिए उगाना चाहते हैं मक्का को, तो उसके लिए हमें 40 से 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की बीज की चालीस से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है एक हेक्टेयर के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें अगर दोस्तों हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर के पानी देने के लिए कौन कौन सी स्टेज आवश्यक होती है, तो उसके बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। टैसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज जो है क्या होती है, क्रिटिकल स्टेज होती है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है कौन सी, टैसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज। ठीक है, क्रिटिकल स्टेज होती है, अगर दोस्तों हम बात करें स्पेसिंग की तो 60 गुणा 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी स्पेसिंग रखी जाती है। प्लांट पॉपुलेशन दोस्तों 60 से 65,000 प्लांट जो है एक हेक्टेयर में होते हैं। ठीक है, अगर हम जर्मिनेशन की बात करें दोस्तों तो हाइपोजियल टाइप जर्मिनेशन होता है मक्के में। कैसा जर्मिनेशन होता है, हाइपोजियल टाइप। ठीक है दोस्तों, और इसमें इसकी प्रोटीन को क्या नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मक्के की प्रोटीन को जीन नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, जीन नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर हम प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो दोस्तों 10% प्रोटीन पाई जाती है मक्का के अंदर, और एक डिजीज होती है व्हाइट वर्ड डिजीज जो है जिंक डिफिशियंसी के कारण होती है। और वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, अगर पानी की रिक्वायरमेंट हुआ दोस्तों बात करें तो 600 से 800 mm जो है पानी की आवश्यकता होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है किसके लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं यील्ड की बात करें दोस्तों तो हाइब्रिड जो है मक्का जो है 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर की उत्पादक
प्रदान करती है हमारे लिए। और कंपेस्टिस की बात करें तो जो है 40 से 50 कुंटल पर हेक्टेयर, और फोर्डर पर्पज के लिए 300 से 400 कुंटल पर हेक्टेयर जो है हमारे लिए प्राप्त हो जाती है। एवरेज यील्ड बात करें दोस्तों इंडिया में तो 2.75 टन जो है उत्पादन होता है, ठीक है, एवरेज यील्ड है ये, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, जैसे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।